हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले जेपीएससी पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोहसा में। ठीक है, तो ये जो है नवरत्न यानी कि नवरत्न गढ़ का किला हो गया। इसको जो है दोईसागढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है, दोईसागढ़, क्योंकि ये दोईसा में बनाया गया था। ठीक है, ये कहाँ है? गुमला। ठीक है, गुमला के अगर प्रखंड की बात की है तो सिसई प्रखंड में, कहाँ पर? सिसई प्रखंड में, जो कि दोईसा के क्षेत्र में आता था। ठीक है, और इसका निर्माण जो है कंगुरा शैली में किया गया है। किस शैली में? कंगुरा शैली में इसका निर्माण किया गया था। पहले ये जो है पांच मंजिला था, बट अभी जो है करंट टाइम में अब कितना मंजिला रह गया? तीन मंजिला ही रह गया है। ठीक है, अच्छा, इसका जो निर्माण कराया गया था नागवंशी राजा के द्वारा कराया गया था। कौन से नागवंशी राजा थे? दुर्जन साल। ठीक है, हमको पता है कि दुर्जन साल जो है हीरे का बहुत बड़ा पारखी था। ठीक है, इसी कारण से जो है जब जहांगीर के द्वारा इसको अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो हीरे की परख के कारण ही इनको छोड़ा गया था। और छोड़ने के जस्ट बाद, जैसे ये जो है दुर्जन साल जहांगीर के कैद से रिहा होते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं कि नवरत्नगढ़ किला का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कब किए, किस सेंचुरी में? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण होता है। और इन्होंने जो है अपनी जो राजधानी होती है, ठीक है, ये जो नागवंशों का जो राजधानी होता है, ये कहां पर? खुखरा भी लिखते हैं, कोकरह भी बोलते हैं। ठीक है, खुखरा से जो है दोईसा जो है स्थानांतरित करता है। ठीक है, खुखरा से दोईसा स्थानांतरित करता है। ठीक है, और इस नवरत्नगढ़ किला का जो है एक साइड ये पहाड़ों से घिरा है, और ये जो दूसरे साइड है क्या है, दक्षिणी कोयल नदी बहती है, साउथ कोयल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? दोईसा का किला। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से क्यों स्थानांतरित हुआ था? ठीक है, अच्छा, इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसको जो है इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नवरत्नगढ़ का किला है इसको झारखंड की हम्पी कहा जाता है। झारखंड की हम्पी, हम्पी एक्चुअली कहाँ है? कर्नाटक में, तो उसी तरह से इसको बनाया गया, इसलिए इसको झारखंड की हम्पी कहा जाता है। और नवरत्नगढ़ किला को जो है क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा 2019 में जो है इसको राष्ट्र धरोहर के तौर पर घोषित किया गया है। क्या? राष्ट्रीय धरोहर। ठीक है, राष्ट्र धरोहर के तौर पर घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से कहां पर स्थानांतरित किया गया था? क्यों किया गया था? दोईसा को अभिशाप घोषित किया गया था। ठीक है, जल की कमी थी, दोईसा में युद्ध में पराजित हुए, जंगली जानवरों को डर था। तो इसमें जो आंसर दिया गया, ये दोईसा में युद्ध में पराजित हुए थे, लेकिन युद्ध के डर से ही इन्होंने क्या किया था कि दोईसा को स्थानांतरित किया था। कहां पर? पालकोट। ठीक है, लालगढ़ जिसको बोलते हैं। तो देखिए, जो राजधानी हुई थी वो कहां कहां हुई थी? अगर नागवंश का अगर प्रथम शासक बोला जाए, ठीक है, प्रथम जो फर्स्ट शासक है जिन्होंने नागवंश की स्थापना की थी वो कौन था? फणी मुकुट राय। फणी
मुकुट राय, ठीक है, फनी मुकुट राय, ठीक। ये प्रथम शासक है नागवंश का, जो प्रथम शासक है ये कौन हो गया, फनी मुकुट राय। और ये जो है मानकी और मुंडाओं द्वारा सुतियांबे का राजा माना गया था, ठीक है। इनको जो अपना उत्तराधिकारी फनी मुकुट राय को किसके द्वारा बनाया गया था, एक मदरा मुंडा थे जो कि सुतियांबे के राजा थे, यानी कि जो मुंडाओं के राजा थे कौन, मदरा मुंडा, उन वो जो है अंतिम राजा थे। मुंडाओं के अंतिम राजा कौन थे, मदरा मुंडा, जिनकी राजधानी कहाँ, सुतियांबे थी। उन्होंने जो है अपना जो इनको जो है उत्तराधिकारी बनाया था फनी मुकुट राय को, जो कि नागवंश के थे, ठीक है। और वहीं से जो है नागवंश की जो है स्टार्टिंग हो जाता है शासन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नागवंश का जो प्रथम शासक कौन हो गया, फनी मुकुट राय, लेकिन अंतिम अगर शासक पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, ठीक है, शरणनाथ सहदेव, ठीक है। ये हो गया प्रथम और ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब देखिए इसकी राजधानी अगर पूछा जाएगा कि राजधानी कहां कहां पर हुआ, तो राजधानी में अगर देखेंगे नागवंशों की राजधानी नागवंश, तो सबसे पहला तो जब फनी मुकुट राय बना था तो उसमें जो राजधानी था वो कहां था, सुतियांबे था, ठीक है। क्या नाम है, सुतियांबे, सुतियांबे, ठीक है। उसके बाद जो बना, उसके बाद जो रांची का चुटिया बना, ठीक है, ये कहां पड़ता है, रांची में पड़ता है चुटिया। उसके बाद जो है कहां पड़ा, खुखरा बना, खुखरा, इसको जो है कोकरा भी कहां कहां कहा जाता है, कोकरा, ठीक है। फिर क्या बना, दोईसा, ठीक है, और दोईसा के बाद क्या हो गया, पालकोट, पालकोट, उसके बाद जो हो गया क्या, रातू, ठीक है। और पालकोट में कौन सा किला था, लालगढ़ का किला, ठीक है, लालगढ़ किला हो गया। दोईसा में नवरत्नगढ़ किला, रातू हो गया। तो देखिए सुतियांबे तो था ही जहां पर फनी मुकुट राय का पहला राजधानी था। तो अगर बोला जाएगा कि नागवंश का सबसे पहला राजधानी कहां है, तो कहां पर हो जाएगा, सुतियांबे हो जाएगा। लेकिन बाद में जो तीसरा नागवंशी राजा आता है, क्या नाम है उसका, प्रताप राय, वो जो है इसको क्या करता है कि यहां से यहां सुतियांबे से चुटिया जो ट्रांसफर करता है वो किसके द्वारा, प्रताप राय के द्वारा किया जाता है, जो कि थर्ड राजा था नागवंश का, ठीक है। नागवंश का जो है तीसरा राजा प्रताप राय के द्वारा सुतियांबे से चुटिया को, चुटिया में राजधानी को जो है क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और उसके बाद जो है भीमकर्ण के द्वारा, ठीक है, अब चुटिया से खुखरा कौन करता है, ये हो गया भीमकर्ण, और राजा भीमकर्ण हो गया। खुखरा से फिर दोईसा कौन ट्रांसफर करता है, यह हो गया दुर्जन साल, दुर्जन साल, हीरे का सबसे बड़ा पारखी था दुर्जन साल, ठीक है। तो युद्ध के डर से ही ये क्या करता है कि दोईसा से अपना जो है राजधानी पालकोट में ट्रांसफर कौन करता है, किसके द्वारा, यदुनाथ शाह के द्वारा, यदुनाथ शाह, ये भी जो है अपनी राजधानी दोईसा से कहां पर करता है, पालकोट करता है, ठीक है। और फिर कोई ना कोई पालकोट से रातू करेगा, ठीक है। तो यदुनाथ शाह के द्वारा किया गया था युद्ध के डर से। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहां पर थी, तो रामगढ़ राज्य अगर की बात करेंगे तो रामगढ़ राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था, बागदेव सिंह था, ठीक है।
और इसकी जो बेसिक राजधानी थी यानी कि मूल राजधानी कहां पर थी, सिसिया थी। कहां था? सिसिया था। देखिए अगर प्रथम यहां पर शासक बोला जाए, ये कौन हो गया? बागदेव सिंह। ठीक है, बागदेव सिंह। और अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो कब? और बागदेव सिंह के द्वारा जो रामगढ़ राज्य की स्थापना की जाती है, ठीक है, ये क्या हो गया? रामगढ़ राज्य स्थापित किया जाता है, स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1368 ईस्वी में। ठीक है, और जो इसका अंतिम शासक हुआ, अंतिम शासक कौन हुआ? ये हो गया कामाख्या नारायण सिंह बहादुर। कामाख्या नारायण सिंह बहादुर, ये क्या हो गया? अंतिम शासक हो गया रामगढ़ राजा का। ठीक है, बाद में फिर क्या होता है कि दलेल सिंह भी आता है। ठीक है, और दलेल सिंह ने अपना राजधानी किसको? रामगढ़ को बनाता है। ठीक है, रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। फिर क्या आ गया? तेज सिंह। तेज सिंह भी रामगढ़ का राजा बना था और इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाया था? इचाक में बनाया था। फिर उसके बाद तेज सिंह के बाद क्या हो गया? ब्रह्मदेव सिंह भी आया था। ब्रह्मदेव सिंह, और इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर बनाया था? पद्मा को। ठीक है, पद्मा। ठीक है, पद्मा को जो है अपनी राजधानी बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, ये क्या करेक्ट आंसर होगा? मधुवन। तो दुनिया का जो पहला श्वेतांबरी गांव है, दुनिया का पहला श्वेतांबरी गांव कौन सा है? ये कहां है? मधुवन है। ये झारखंड के तीर्थ स्थल के तौर पर जाना जाता है, मधुवन। ठीक है, और जो पारसनाथ पहाड़ी है इसके नीचे वाला जो जगह है वो क्या कहलाता है? मधुवन कहलाता है। ऊंचाई से जो नीचे तराई का क्षेत्र है ये मधुवन है। पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ में है। और ये कहां है? गिरिडीह जिला में। ठीक है, अब देखिए पारसनाथ जहां पर है वहीं पर क्या है? ये मधुबन भी है। ठीक है, अब देखिए पारसनाथ को जो है जैनियों का तीर्थस्थल कहा जाता है, जैनियों का तीर्थस्थल, सॉरी जैनियों का तीर्थ स्थल तो है ही, लेकिन स्पेशली इसको मक्का कहा जाता है, जैन धर्म का मक्का। ठीक है, और ये जैनियों का तीर्थ स्थल भी है पारसनाथ। ठीक है, क्या? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, जैन धर्म का मक्का, ये जैनियों का तीर्थ स्थल है। और जो अभी कितने 24 तीर्थंकर में से जो है 20 को, कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। और 24 तीर्थंकर में से 20 को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई है? निर्वाण प्राप्त कहां हुआ है? पारसनाथ में। ठीक है, ठीक है, पारसनाथ का जो नामकरण हुआ है ये 23rd जो तीर्थंकर हैं पारसनाथ, देखिए जो 23वें तीर्थंकर है पारसनाथ के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी का जो है नाम रखा गया है। ठीक
ठीक है। इसके अलावा जो है अगर पारसनाथ में पहला तीर्थंकर जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है वो उनका नाम क्या है, अजितनाथ, अजितनाथ, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट है पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करता, पारसनाथ निर्वाण प्राप्त करता, ठीक है। अजितनाथ जो है पहले तीर्थंकर है जिन्होंने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्ति किया था। लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए कि दुनिया, अगर बोला जाए कि प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो उस अनुसार से हम क्या आंसर देंगे, ये ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर हैं, लेकिन वैसे तीर्थंकर जिन्होंने जो है पारसनाथ में निर्वाण की प्राप्ति की थी, तो उनका नाम क्या होगा, अजितनाथ, ठीक है। ऋषभदेव, इनका नाम क्या था, ऋषभदेव, पहले निर्वाण प्राप्त करता, पहले तीर्थंकर, ठीक है। पहले तीर्थंकर अगर ओवरऑल बोला जाए तो ऋषभदेव, लेकिन वैसे पहले तीर्थंकर जिन्होंने पारसनाथ में निर्वाण की प्राप्ति की थी, तो क्या हो जाएगा, अजितनाथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पारसनाथ में अगर देखा जाए कि जो समेत शिखर है इसकी हाइट कितनी है, देखिए पारसनाथ क्या है, एक पहाड़ी श्रृंखला है। पारसनाथ जो है ये क्या है, पहाड़ी श्रृंखला है, बहुत सारे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ी श्रृंखला है। लेकिन सबसे ऊंची जो चोटी है इसको क्या बोलते हैं, समेद शिखर, ठीक है, समेद शिखर। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1365 मीटर, ठीक है, 1365 मीटर, लेकिन फिट में 4478 फिट, ठीक है। और ये जो है झारखंड, झारखंड हाईएस्ट, ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, समेत शिखर है, पारसनाथ की पहाड़ी में है ये। और इसका जो नामकरण किया गया था पारसनाथ, ये 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर किया गया था, और ये कब, 717 ईसा पूर्व में किया गया था। लेकिन अगर दूसरा झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुलगुल पहाड़, गुलगुल पहाड़, ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। और ये कहां है, ये सरुवत गांव में है, सरुवत गांव कहां पर, गढ़वा में, ठीक है। चूंकि ये सरुवत गांव में है इसलिए सरुवत पहाड़ के भी नाम से ये जाना जाता है, सरुवत पहाड़, ठीक है। इसका करेक्ट कौन सा हो गया, श्वेतांबरी जनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है, मधुवन है। झारखंड की हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थित है, अच्छा इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, अभी इसमें कुछ गलत है। पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है, आश्रयणी मतलब क्या हो गया, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, तो पालकोट अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है, गुमला में, ठीक है। पालकोट अभ्यारण्य कहां पर है, ये गुमला में है। देखिए इसका निर्माण जो है कब हुआ था, 1990 में हुआ था, और ये जो है गुमला और प्लस कहां पर, सिमडेगा में फैला हुआ है, ठीक है,
दोनों जगह फैला हुआ है। ऑप्शन में चूंकि गुमला दिया हुआ है तो गुमला मारे। तो पालकोट अभ्यारण्य जो है 1990 में इसका निर्माण हुआ था और गुमला में भी है और सिमडेगा में भी है। अगर इसकी एरिया की बात की जाए कि कितना क्षेत्रफल में ये फैला है तो 182.8383 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया है। और यहाँ पर जो है भालू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ क्या पाया जाता है, भालू पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से जो गुजरने वाली मुख्य नदी कौन सी है, चूंकि ये गुमला में है, ठीक है, तो यहाँ पर शंख नदी भी इसके थ्रू गुजरता है, प्लस जो है दक्षिणी कोयल नदी भी गुजरता है, ठीक है, दक्षिणी कोयल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वन्य जीव आश्रयणी की घोषणा झारखंड में 1976 में की गई थी, मतलब अभ्यारण्य। तो 1976 में जो है पांच जो है अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य बने थे, ठीक है, पांच वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य थे पांच? सबसे पहला हो गया पलामू, ठीक है, पलामू हो गया। और पलामू जो है इसकी एरिया की अगर बात की जाए तो 752.94 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा, पलामू। अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है तो कौन सा हो जाएगा, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और दूसरा अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लवालोंग अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इसकी एरिया पलामू कितनी है, 752.94 किलोमीटर स्क्वायर, और ये कहां पर है, पलामू में है, ठीक है, पलामू में है। दूसरा जो 1976 में बनता है ये कौन सा हो गया, दालमा हो गया, ठीक है, दालमा। और दालमा के जो है हाथियों का सबसे बड़ा रिजर्व वाला फोर्स्ट है, ठीक है, दालमा जो है हाथियों के लिए जाना जाता है, दालमा अभ्यारण्य। और इसकी जो एरिया में कितने एरिया में फैला हुआ है, 193.22 किलोमीटर स्क्वायर, 193.22 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो है कोल्हान वाले क्षेत्र में है, ठीक है, कोल्हान वाले क्षेत्र में है, जो कि सिंहभूम जिला में पड़ता है, सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में कहाँ कहाँ है, एक तो ये फैला हुआ है, अगर दालमा की बात की जाए तो ये एक तो ईस्ट सिंहभूम में फैला हुआ है, फिर कुछ जो है रांची में भी फैला हुआ है, फिर जो है ये कहाँ फैला हुआ है, सरायकेला खरसावां में फैला हुआ है, कुछ जो है ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में फैला हुआ है, ठीक है, पुरुलिया, ठीक है, कहां पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तीसरा जो आता है ये हो गया हजारीबाग, हजारीबाग अभ्यारण्य। तो हजारीबाग अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है, हजारीबाग में है। और इसका जो 186 कितना, 186.25 किलोमीटर स्क्वायर, 186.25 किलोमीटर स्क्वायर, और ये कहाँ, हजारीबाग में ही है। चौथा जो हो गया ये हो गया गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये जो है बिहार तथा किसमें, गया में, ये बिहार और झारखंड दोनों में फैला हुआ है। देखिए ये जो है दो जगह फैला हुआ है, बिहार के कहां पर, गया में फैला हुआ है, और ये जो है झारखंड के कहां पर, चतरा में फैला, सॉरी कोडरमा में फैला हुआ है, कहां पर, झारखंड के कोडरमा में फैला हुआ है, कोडरमा में, ठीक है। अच्छा, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन, ये संजय गांधी के द्वारा किया गया था,
ठीक है, संजय गांधी के द्वारा जो है दालमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया था। और गौतम बुद्ध जो है, अगर टोटल एरिया इसका लिया जाए गौतम बुद्ध का, तो कितना है 259 किलोमीटर स्क्वायर है, 259 किलोमीटर स्क्वायर। बट अगर सिर्फ बिहार में बोला जाए तो बिहार में कितना है 138.34 किलोमीटर स्क्वायर, 138.34 किलोमीटर स्क्वायर। और झारखंड में बोला जाए तो ये कितना है 121.14 किलोमीटर, 121.14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये झारखंड में है। ठीक है, तो चार यहां पर हो गए। पांचवा जो है ये क्या हो गया, महुआ टांड। ठीक है, महुआ टांड। तो महुआ टांड अभयारण्य जो है ये क्या है, भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कहां पर है, ये लातेहार में है। और इसका जो एरिया है वो कितना है, 63.26 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य कहां पर है, लातेहार के चचेरी घाटी में है। ठीक है, लातेहार के चचेरी घाटी में है। और ये इसका कितना किलोमीटर स्क्वायर है, 63.26 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर बोला जाएगा, 1976 में टोटल पांच होते हैं, पांच ये सभी है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग का निर्माण जो है होता है। तो इसके अलावा और अगर देखा जाए तो इसमें ये देख सकते हैं कि पूरे अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल पार्क कितना है। ठीक है, नेशनल पार्क जो है कितना है, राष्ट्रीय अभयारण्य, तो राष्ट्रीय अभयारण्य कितना है, एक है। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें झारखंड में, टाइगर रिजर्व की, तो ये कितना है, एक है। उसके बाद अगर एलिफेंट रिजर्व की बात की जाए, एलिफेंट रिजर्व की बात की जाए तो भी मेरा एक है। उसके बाद अगर बात किया जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, यानी वन्य जीव अभयारण्य का, तो कितना है, 11 है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर ये क्या हो गया, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय जो है पार्क कितना हो गया, एक हो गया। टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ के लिए रिजर्व क्षेत्र कितना हो गया, एक हो गया। एलिफेंट के लिए एक हो गया जो कि दालमा है। टाइगर के लिए बेतला बाघ अभयारण्य है और बेतला नेशनल पार्क कितना है, एक है। वाइल्ड लाइफ वन जीव अभयारण्य कितना है, 11 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1976 में जितना भी उसमें से एक हजारीबाग है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है, तो ये कहां अवस्थित है, ये हजारीबाग में अवस्थित है। ठीक है, देखिए अगर वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो झारखंड के हजारीबाग में है ये। और ये वाला जो यूनिट है ये क्या है, एक टेस्टिंग यूनिट है, टेस्टिंग यूनिट है। और किसका टेस्टिंग यूनिट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कटक उड़ीसा। ठीक है, का एक टेस्टिंग यूनिट जो है झारखंड में खोला गया है, तो कहां है, हजारीबाग में है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर और भैरवी। और भैरवी नदी को जो है भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो इसमें देखिए जो छिन्मस्तिका मंदिर है वो कहां पर है, ये राजरप्पा में है, ठीक है, और ये कहां पड़ता है, रामगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है दामोदर प्लस फेड़ा, जिसको हम लोग भैरवी भी बोलते हैं, नदी के संगम पर स्थित है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो गया कि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, मंदिर का जो बनावट है, ये किससे मिलता जुलता है, कामाख्या मंदिर से। कामाख्या मंदिर जो कि असम में है, ठीक है, असम में है। नेक्स्ट क्या हो गया कि इसको जो है, चूंकि ये चारों साइड से जंगलों से घिरा हुआ है, तो इसको वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वन दुर्गा मंदिर। यहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा है, और कैसी प्रतिमा है, धड़ से, मस्तक जो है धड़ से अलग है, मस्तक धड़ से अलग वाली जो है प्रतिमा है, ठीक है। यहां पर जो है तंत्र सिद्धि की सिखाया जाता है, तंत्र सिद्धि की जो है यहां क्रिया की जाती है, और यहां पर जो है दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर, ठीक है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहां पर है, कोलकाता, कोलकाता, जो दक्षिणेश्वर मंदिर है कोलकाता से तांत्रिकों को बसाया गया, तांत्रिकों एवं पुजारियों, ठीक है, यहां पर बसाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि जो मंदिर है, जो मूर्ति है माता की, ठीक है, उसके एक साइड क्या है, साकनी, और दूसरे साइड डाकनी, देवी की मूर्तियां हैं, और नीचे जो है इनके चरण के पास कौन है, रति और कामदेव, ठीक है, जो चरण है, चरण स्पर्श करते हुए रति है और कामदेव है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया दामोदर भैरव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का जो है गठन किया गया है, ठीक है। देखिए जो झारखंड का गठन अगर बोला जाए, ठीक है, तो अगर झारखंड गठन के पहले जो है कितना जिला था, 8 जिला था, जो कि बिहार का जो है कितना परसेंट, बिहार का 45.80% ठीक है, ये देखिए बिहार का 45.80% भूभाग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर 45.80% ऑफ बिहार का जो एरिया है वो जो है पहले झारखंड का एरिया, जब गठन के पहले झारखंड, ठीक है, पहले झारखंड को अलग किया गया था, झारखंड का जब गठन किया गया था, नहीं पहले मत लिखिए, झारखंड गठन तक, झारखंड गठन के समय, ठीक है, झारखंड गठन के समय 18 जिला को, बिहार से 18 जिला को लिया गया, जो कि
45.80% भूभाग शेयर करता है बिहार का, और उससे झारखंड का गठन किया गया। लेकिन बाद में जो है, झारखंड गठन के बाद में 6 नए जिले बनाए गए, ठीक है, 6 नए जिलों का निर्माण किया गया। वो 6 नए जिले कौन से हैं? पहला हो गया लातेहार, दूसरा कौन सा हो गया जामताड़ा, सभी 2001 में किया गया है। तीसरा क्या हो गया? लातेहार हो गया, जामताड़ा हो गया, फिर क्या हो गया सरायकेला, सॉरी जामताड़ा के बाद सिमडेगा, फिर चार नंबर क्या हो गया सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, पांच नंबर क्या हो गया सरायकेला खरसावां के बाद रामगढ़, फिर छठा क्या हो गया खूंटी। देखिए अब ये जो है, ये दोनों रामगढ़ और खूंटी जो है 12 सितंबर 2007 को जिला बनाया गया, ठीक है, और सरायकेला खरसावां को जो है 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला बना। उसी तरह 26/4/2001 यानी 26 अप्रैल 2001 को ये बना, 26 नहीं, ये भी 30 को ही बना, ठीक है। ये जो है कब बना? 30 अप्रैल 2001 को। फिर 26 अप्रैल 2001 को कौन सा बना? जामताड़ा बना। और फिर ये जो है कब बना? 26 तारीख को ये बना, ठीक है, और ये बनता है 4 अप्रैल 2001 को, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार बनता है, फिर 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा बनता है। यानी कि अगर ईयर बोला जाए तो चार जो है, चार जिले का निर्माण कब होता है 2001 में, और दो जिले का निर्माण कब होता है 2007 में, ठीक है। और टोटल जो जिला अभी है झारखंड में वो कितना जिला है? 24 जिला है, ठीक है, जो कि कितने प्रमंडल में? 5 प्रमंडल में बटे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल, फिर उसके बाद पलामू प्रमंडल, फिर उसके बाद आपका संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कितने जिलों का? 6 जिलों का झारखंड गठन के बाद किया गया। नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 2.72% है, ठीक है। अब देखिए, अगर 2011 का सेंसस लिया जाए, जनगणना लिया जाए, क्योंकि कोविड के कारण 2021 का जनगणना नहीं हो पाया तो इसी को बेस मान के चल रहा है, 2011 को जनगणना अगर लिया जाए तो झारखंड की जो जनसंख्या थी वो कितना? 329,03,28,134 था, ठीक है। और ये जो है कितना है? 2.72% ऑफ भारत जनसंख्या, ठीक है। भारत की जनसंख्या का कितना है? 2.72%, ठीक है। और ये जो है 14th रैंक है,
ठीक है, पूरे भारत में कितना, 14वां रैंक है झारखंड की जनसंख्या, ठीक है, 14th रैंक इन इंडिया, यानी कि जितना भी स्टेट है तो छठे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन आता है, छठे बोलते हैं, 14वां रैंक पे कौन आता है, जितना भी स्टेट है, और 14th नंबर पर जो आता है वो किसकी जनसंख्या है, झारखंड की जनसंख्या है, और एक नंबर पे किसकी जनसंख्या आती है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया जनसंख्या की बात, अगर हम एरिया की बात किया जाए कि झारखंड का एरिया कितना है, तो झारखंड का एरिया कितना हो जाता है, 79714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात की जाए, जो वनों का सर्वेक्षण हुआ है 2021 में, अगर उसकी बात की जाए तो 79716 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, ठीक है। और अगर हम भारत का डाटा अगर देखें, इंडियन डेटा देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा देखें, तो ये भी जो है कितना है, 79716, ठीक है। तो 79716 जो है वन सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है 2021 के अकॉर्डिंग, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है उन दोनों के अकॉर्डिंग 79716 है। लेकिन ऐसे अगर दिया गया है झारखंड की डेटा देखें तो उसमें कितना दिया गया है, 79714, ये 2011 का जनगणना का डेटा है, ठीक है। और ये जो है, ये एरिया जो है पूरे भारत में कितना रैंक रखता है, 15वां रैंक रखता है, ठीक है, 15th रैंक है, ठीक है, 15 रैंक है, ठीक है। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया, अगर पूछा जाए कि ये जो झारखंड है, ठीक है, इधर से इधर, नॉर्थ टू साउथ, ये क्या डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा, 380 किलोमीटर, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ जो होगा, उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो डिस्टेंस है सीमा का, वो कितना है, 380 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूर्व से लेके पश्चिम तक की बात करेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो बात करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 463 किलोमीटर, ठीक है, 463 किलोमीटर, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोचे कड़वा के नाटककार कौन है, ठीक है, जो कोचे कड़वा है उसका नाटककार कौन है, तो कोचे कड़वा के नाटककार कौन है, सोलेमन मुर्मू, ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक नाम है रघुनाथ मुर्मू, तो रघुनाथ मुर्मू जो है ये संथाली भाषा का जो लिपि है, संथाली लिपि, उनका नाम क्या है, ओलचिकी लिपि, ओलचिकी लिपि के जो है आविष्कारक है, ठीक है। और इन्होंने जो है 1925 में जो है इस लिपि का आविष्कार करते हैं, उसके बाद जो है 1939 में ये क्या करते हैं, चूंकि ये उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित हैं, कहां से, उड़ीसा के मयूरभंज, ठीक है, से संबंधित है। और इनकी पत्नी जो है वो कहां की थी, ये झारखंड की थी, ठीक है, झारखंड की थी। तो ये जो मयूरभंज का राजा है उनके सामने इसको प्रस्तुत करते हैं,
ठीक है 1939 में, और फिर क्या किया जाता है 1941 में जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसकी जो है इसका आविष्कार कब करते हैं, इस लिपि का 1925 में। फिर राजा जो मयूरभंज के राजा थे उनके सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है 1939 में, और 1941 में इसको पब्लिक कर देते हैं, पब्लिकेशन इसका कर दिया जाता है। ठीक है 1941 में, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि अगर संथाली भाषा में पूछा जाए, संथाली का पहला नाटक कौन सा था, संथाली भाषा का पहला नाटक कौन सा था, तो क्या हो जाएगा, बीदू चांदन, बीदू चांदन। और ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश, रचनाकार इसका कौन है, तो रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू जो है संथाली भाषा का पहला नाटक बीदू चांदन का रचयिता कौन है, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, और कोचे कड़वा का कौन हो गया, सुलेमान मुर्मू। नेक्स्ट हो गया कि खेरवाल वंशो धर्म पुथी के रचयिता कौन है, तो कौन हो जाएगा, रामदास टूडू, मांझी रामदास टूडू, मांझी रामदास टूडू जो है खेरवाल वंशो धर्म पुथी के रचयिता हैं। और अगर पूछा जाए कि आदि धर्म के रचयिता कौन है, आदि धर्म, तो आदि धर्म हो गया, इसके रचयिता हो गया कौन, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू। किस साहित्यकार की जन्मस्थली जो है 2016 में हुई है, तो 2016 में इनमें से जो साहित्यकार है ये कौन है, राधा कृष्ण है, और ये जो है ये हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, राधा कृष्ण जो है ये हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, ये कौन है, झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार है, किस भाषा के, हिंदी भाषा के। ठीक है, हिंदी भाषा। ठीक है, इनका जो उपनाम है ये लाल बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, लाल बाबू। ठीक है, जो राधा कृष्ण है ये लाल बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका जो जन्म होता है वो कहां पर होता है, रांची के अपर बाजार में, रांची अपर बाजार में इनका जन्म होता है। ठीक है, बस, और कब होता है, 1910 में इनका बर्थ होता है, और कहां पर होता है, रांची के अपर बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई। ठीक है, देखिए, तो आईएसएम धनबाद, ठीक है, आईएसएम धनबाद, ये क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये कहां पर है, धनबाद में है, और इसका निर्माण जो होता है ये कब होता है, 1926 में, और किसके तर्ज पर ये निर्माण होता है, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस कहां पर, लंदन, ठीक है, के तर्ज पर। तो आईएसएम धनबाद का जो निर्माण होता है 1926 में होता है, और रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पर करता है, इसका जो इनोग्रेशन करता है, इनोग्रेशन,
ठीक है, इसका जो शिलान्यास इनोग्रेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो उस समय का जो वायसराय ऑफ इंडियन इंडिया था कौन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। और ये क्या है, वाय सराय किसका, भारत का, इसके द्वारा जो है इनोग्रेशन किया जाता है। फिर इसको जो है बाद में कब, 2016 में जो है इसको आईआईटी का दर्जा मिलता है, ठीक है। जो आईएसएम है इसको किस वर्ष आईआईटी का दर्जा मिलता है, 2016 में, ठीक है। कब हो जाएगा, 1926 को। नेक्स्ट है कि रांची विश्वविद्यालय, जो रांची यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, ये किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, ये जो है पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी से बना, से अलग हुआ था पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए इस रांची यूनिवर्सिटी का जो निर्माण होता है ये कब होता है, 12 जुलाई 1960 को, ठीक है, 12 जुलाई 1960 को जो है रांची यूनिवर्सिटी बनता है, 1960 को, ठीक है। और इसके जो प्रथम कुलपति हैं उसका नाम क्या है, विष्णुदेव, विष्णुदेव नारायण सिंह। अब तो कुलपति कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी, XLRI इसका मतलब क्या हो गया, जेबियर, एक्सएल जेबियर, फिर क्या हो गया, XLRI का जेवियर स्कूल ऑफ, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या है, बिजनेस स्कूल है, ठीक है। और ये क्या है, प्राइवेट बिजनेस स्कूल है, प्राइवेट बिजनेस स्कूल, स्कूल, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो गया कि ये जो है वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल, यानी कि भारत में जितने भी बिजनेस स्कूल है इसमें से ये XLRI जो है सबसे पुराना बिजनेस स्कूल के नाम पर गिना जाता है। XLRI जो है बहुत पुराना बिजनेस स्कूल है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। स्थापना जो है इसका 1949 में किया गया था, अक्टूबर कितना, 11 अक्टूबर 1949 को, ठीक है, 11 अक्टूबर 1949 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, किस संस्था के द्वारा किया गया था, ये सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा, सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कौन थे, फादर क्वीन एनराइट, और इसी के सदस्य थे फादर क्वीन एनराइट, ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो स्थापना किया गया था। और किससे बिलोंग करते थे, सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य थे, ठीक है।
अभी हाल में ही जो है इस XLI का 75वीं वर्षगांठ, ठीक है, वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें जो है भारत के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़, क्या जयदीप, जगदीप, जयदीप नहीं, जगदीप धनखड़ यहां पर आए हुए थे। चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि, अतिथि, ठीक है। और ये कहां पर है, जमशेदपुर में है, सोसाइटी ऑफ जीसस। सन 2009 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये 2009 में जो है MS धोनी को पद्मश्री मिला, 2018 में जो है इनको पद्म भूषण मिला, और 2007 में कौन सा अवार्ड मिला था बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न, ठीक है, अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो है अब नाम चेंज के क्या कर दिया गया है, आपको बताइए, जयपाल सिंह के नाम पर कर दिया गया है, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए सिलनवास डुंगडुंग, इनको जो है क्या कहा, आयरन मैन कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ झारखंड, ठीक है, आयरन मैन ऑफ झारखंड, झारखंड का जो है आयरन मैन कहा जाता है सिलनवास डुंगडुंग को। और ठीक है, फिर क्या हो गया, दीपिका कुमारी, ये दीपिका कुमारी जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये रांची से बिलोंग करती है, ठीक है, और ये तीरंदाज हैं, आर्चरी, तीरंदाज, तीरंदाज हैं, ठीक है, आर्चरी से बिलोंग करती है, कहाँ पर, रांची की रहने वाली है, ठीक है। और इनको जो है पेरिस, कब, 2021 में जो पेरिस का, पेरिस में जो तीसरा तीरंदाजी का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 3 गोल्ड मेडल इनको मिला था, और 2012 पे जो दीपिका कुमारी है नंबर 1 रैंकिंग पे थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, MS धोनी। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, इसका आंसर क्या होगा, निक्की प्रधान होगा। और ये जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसमें भारतीय जो खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व किया ओलंपिक गेम में, ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निक्की प्रधान। और किस ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक 2016, ठीक है, रियो ओलंपिक 2016 में जो है ये निक्की प्रधान जो है पहली भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व जो है कर रही थी, ठीक है। रियो ओलंपिक में झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी थी, ये हो गया निक्की प्रधान, ठीक है, भारतीय टीम का रियो ओलंपिक, ओलंपिक 2016 में प्रतिनिधित्व, किसने किया, ये निक्की प्रधान ने किया,
ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये खूंटी से बिलोंग करती है, खूंटी से बिलोंग करती है। इसके अलावा अगर आएगा कि सिमडेगा, आसूतर लगड़ा सिमडेगा से बिलोंग करती है, ये जो सावित्रीपुरती है ठीक है, ये कहाँ से? ये भी खूंटी से बिलोंग करती है, खूंटी ठीक है। और ये सावित्रीपुरती जो है ये झारखंड और बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। अगर झारखंड की बात करें और बिहार की बात करें तो यहाँ से जो है पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हॉकी खेला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन रही है? सावित्री पुरती। सुमराई टेटे कहाँ से बिलोंग करती है? तो सुमराई टेटे जो है ये सिमडेगा से बिलोंग करती है, ठीक है। कहाँ से? सिमडेगा से बिलोंग करती है। और 2002 में जो है मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम में इनके द्वारा जो है क्या है, गोल्ड जीता गया था। और इनको जो है एक बार जो झारखंड की महिला हॉकी टीम का ब्रांड एम्बेसडर भी सुमराई टेटे को बनाया गया था, ठीक है, सुमराई टेटे। अच्छा, अधिकतर हॉकी खिलाड़ी जो है कहाँ से? सिमडेगा से बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए सिमडेगा का जो उपनाम है नर्सरी ऑफ हॉकी है, नर्सरी ऑफ हॉकी, ठीक है, क्योंकि सिमडेगा से अधिकतर जो है हॉकी खिलाड़ी निकलते हैं। नेक्स्ट हो गया कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो इनका क्या है? प्रेमलता अग्रवाल। ये कहाँ से? जमशेदपुर से बिलोंग करती है, जमशेदपुर जुगसलाई, ठीक है, जमशेदपुर के कहाँ से? जुगसलाई से बिलोंग करती है। ठीक है। अच्छा, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है, कहा क्या जाता है, ये बात है कि प्रेमलता अग्रवाल जो है दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है, जो 7 समिट है, 7 समिट्स है, 7 ऊंची चोटी है, चोटी पर चढ़ने वाली जो है फर्स्ट इंडियन ओमेन है, फर्स्ट इंडियन ओमेन है, पहली भारतीय पर्वतारोही है जिन्होंने 7 समिट पर क्या किया, विजय प्राप्त कर दिया। और इनका प्रोफेशन क्या है? ये पर्वतारोही है, पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोही है। और ये भारत से बिलोंग करती है, ठीक है। देखिए 2013 की अगर बात करेंगे, 23 मई 2013, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका का अलास्का रेंज, नॉर्थ अमेरिका ठीक है का जो है अलास्का, जो उत्तरी अमेरिका का अलास्का है वहाँ पर सबसे एक ऊंची चोटी है वहाँ पर, उसका नाम क्या है? माउंट मैकनले, माउंट मैके नले, ठीक है। तो माउंट मैकनले पर चढ़ने वाली जो है ये लगभग 50 वर्ष के उम्र में चढ़ी है, ठीक है। तो इस अधिक उम्र में जो है चढ़ने वाली कौन है? प्रेमलता अग्रवाल है। कहाँ पर? माउंट मैकनले में। तो उसका भी किताब किसको जाता है? प्रेमलता अग्रवाल को। उसके बाद जो है इसको 2013 में क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड मिलता है, ठीक है, प्रणब मुखर्जी द्वारा। और ये क्या थे? राष्ट्रपति
राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, 2011 में जब ये 48 वर्ष की आयु थी इनकी, तो ये प्रेमलता अग्रवाल कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, ठीक है 2011 में। ये बछेंद्री पाल जो है ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। तो कौन है, बछेंद्री पाल है, और ये जो है इनकी स्टूडेंट कौन है, प्रेमलता अग्रवाल है। बछेंद्री पाल की स्टूडेंट कौन है, प्रेमलता अग्रवाल है। ये जो अरुणिमा सिन्हा है, अरुणिमा मिश्रा है, ये का है इंडियन बॉक्सर है, और ये भी जमशेदपुर में रहती है, और अभी ये जो है झारखंड पुलिस में कार्यरत है अरुणा मिश्रा, और ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी वो कौन है, प्रेमलता अग्रवाल, और किस वर्ष था, 2011 में, 48 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी नदी कीकट के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा, पुनपुन नदी, ठीक है, इसको पुनः पुनः नदी भी बोलते हैं, पुनः पुनः नदी बोलते हैं। इसके अलावा जो इसको वाम गधी के नाम से जाना जाता है, वाम गधी के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद कीकट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सभी जो है क्या है, पुनपुन का ही जो है नाम है, ठीक है। झारखंड के पलामू से इसका उद्गम होता है, ठीक है, झारखंड का जो है पलामू, वहां से इसका उद्गम है, ठीक है। और झारखंड में जो ये पलामू और चतरा में बहती है, और जैसे ही चतरा समाप्त करती है इसके बाद जो है ये औरंगाबाद प्रवेश करती है, औरंगाबाद कहाँ से, चतरा से, चतरा से औरंगाबाद जो है बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर क्या, पटना में, गंगा से, पटना में गंगा से मिलने के पूर्व जो है, यानी कि ये पटना में किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, पटना में गंगा से मिलने के पूर्व जो है फल्गु इस नदी में मिलती है, ठीक है, मिलती है, यानी ये क्या हो गया, ठीक है, और फिर ये जो है यहां पर पटना हो गया, ये फिर गंगा हो गया, ये फिर फल्गु नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया। तो गंगा में मिलने के पूर्व ये जो है फल्गु में मिलती है, फिर यहां पर आके पटना में गंगा मिल जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुनपुन नदी। तो ये 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।